हे गाइस, फूडी रुपेश के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रुपेश और मैं आज आपको लेकर आया हूं अमृतसरी छोले कुलचे में। यहां पर बहुत ही बेहतरीन अमृतसरी छोले कुलचे मिलते हैं। इसके अलावा आप यहां पर चाप भी ट्राई कर सकते हैं और यहां पर आप टिक्का भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का लोकेशन काफ़ी ईजी है, आपको इटालवा सिसोद्रा रोड पर मिलेगा और ये एरिया को वाड़ा फूड कोर्ट बोलते हैं। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आर यू रेडी वॉचिंग दिस मौसम वीडियो? लेट्स प्ले। तो गाइस, मेरे साथ है यहाँ के ऑनर, इनसे मिलते हैं। इनका नाम जानते हैं सर, आपका नाम बताइए। भावेश मिश्री। और भावेश भाई, बताइए आपने यहाँ पर ये कब से चालू किया है? मेरे को चालू करवाया है इसका एक साल जैसा हो गया है। अच्छा, और सर कैसे आपको यहाँ पर आइडिया की है यहाँ पर चालू करना चाहिए? मैंने बहुत सर्च किया, नवसारी में देखा कि ऐसी चीज़ है नहीं, थोड़ी यूनिक चीज़ लगेगी लाने में, तो मैंने इसलिए ये नया स्टार्टअप किया है। और सर क्या क्या वेराइटी मिल जाती है आपके पास? मेरे पास सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप जैसे देखो ये मेनू है, 8 से 10 हज़ार के अलग अलग कुलचे है। अच्छा, और चाप है, बारबेक्यू में पनीर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सोया चाप है, दाल मखनी है। अच्छा, चूरचूर नान, राजमा चावल और पटियाला लस्सी मिलेगा। और सर यहाँ का टाइमिंग बता दीजिए। ये सुबह 11:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। अच्छा, और सर यहाँ का एड्रेस भी समझा दीजिए। एड्रेस अब इटाड़ोवा टू सिसोदिया रोड, नियर वाड़ा बस स्टेशन। अच्छा, और सर ये ऑल वीक चालू ही रहता है? हाँ। तो ठीक है गाइस, चलो हम लोग भी यहाँ पे जो यहाँ का सबसे बेस्ट है ना ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आपको इसका फीडबैक देंगे। तो गाइस देख लो, ये हमारा सबसे पहला ऑर्डर रेडी होने जा रहा है और मेरे साथ है भाई। भाई आपका नाम बताइए। संतोष, संतोष कुमार। अच्छा संतोष भाई, सबसे पहले इसमें आपने क्या क्या डाला है? पहले आलू डाला, उसका बाद ये कैप्सिकम, उसका बाद ऑनियन डाल रहा हूँ। अच्छा, तो गाइस इसमें तीन चीज़ आ गया। तो गाइस देख लो, इसके अंदर गाजर आ गया। और संतोष भाई बताइए, कितने देर में रेडी हो जाता है? 5 से 7 मिनट में। 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है। ये अजवाइन। अच्छा, इसके अंदर अजवाइन आ गया। ये जीरा, ये थोड़ा जीरा भी आ गया। और ये अपना ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर भी आ गया। और मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर भी आ गया। चाट मसाला। चाट मसाला आ गया। ये कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी भी आ गई। और धनिया पत्ता। और ये लास्ट में धनिया पत्ती भी आ गई। इसको मिक्स कर। तो गाइस देख लो, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर दे रहे हैं। तो सर ये जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अभी आप? अभी जगुदा कुलचा। इसको जगुदा कुलचा। ये अपना सॉल्ट आ गया। तो गाइस देख लो, इसके अंदर नमक भी आ गया। हाँ। अच्छा, तो गाइस देख लो, ये इसके अंदर चीज़ जा रहा है। सर चीज़ कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं आप लोग? ये अमूल का है। तो गाइस देख लो, अमूल का चीज़ जा रहा है, इसलिए क्वालिटी में कुछ भी फेरफार नहीं हो रहा है, बढ़िया स्वाद मिलने वाला है। तो गाइस देख लो, चीज़ के बाद इसमें पनीर आ रहा है। सर पनीर कौन सा कंपनी का यूज़ कर रहे हैं? अमूल का ही है ये। और इसका प्राइस क्या है सर? 170 रुपये। अच्छा, तो गाइस इसका प्राइस 170 रुपये है। देख लो गाइस, इसमें ये इसका बैटर आ गया, इसमें आटा और मैदा दोनों का यूज़ होता है। और ये इसके अंदर इन्होंने पूरा इसका स्टफिंग कर दिया। तो संतोष भाई बताइए, इसमें ये कुलचा में कितना है? 2 जन के लिए काफ़ी है कि 1 जन के लिए? मक्का ऊपर डिफरेंट है। अच्छा, तो गाइस देख लो, उसके ऊपर फिर से मसाला जा रहा है। तो गाइस देख लो, ये अभी वापस जा रहा है। तो गाइस देख लो, ये इसको तंदूर में डाल रहे हैं।
ये थोड़ा सा ऊपर पानी लगा दिया, पानी लगाने से क्या आता है सर? वो चीज़ नीचे गिरेगा नहीं जल्दी। अच्छा, वो पकड़ा रहेगा। अच्छा, तो गाइस देख लो, ये इन्होंने तंदूर के अंदर इसको लगा दिया। तब तक काम करते हैं, हमारा जो दूसरा ऑर्डर है चाप, उसका भी मेकिंग देख लेते हैं। तो सर बताइए, ये चाप किस चीज़ का रहता है? ये सोयाबीन का रहता है। अच्छा, और ये जो इसका मसाला, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें गरम मसाला रहता है, लाल मिर्च रहता है, काजू का पेस्ट रहता है। अच्छा, इसके अंदर क्रीम रहती है, चीज़ रहती है। अच्छा, और ये सर कितने देर में बेक हो जाता है, कितने देर बन जाता है? ये 5 से 10 मिनट लग जाता है। अच्छा, और उसमें कितना पीस आता है? 8 पीस आता है। 8 पीस आता है। हाँ, तो देख लो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको कर दिया है। इसकी स्टफिंग मसाले की काफ़ी अच्छी की है। अब ये इसको अंदर तंदूर में डालने वाले हैं। तो ये लास्ट में इन्होंने ये आलू भी रख दिया ताकि नीचे जले नहीं। तो देख लो गाइस, ये तंदूर के अंदर चले गया। गाइस देख लो, ये हमारा दोनों आइटम आ गया है। ये है अपना हमारा अमृतसरी चाप, इसका प्राइस है 200 रुपीज़। और इसी से शुरुआत करते हैं। तो देख लो, ये यहाँ पे रहा, ये इसका चाप, इसके ऊपर इन्होंने है ना चीज़ डाला था और पनीर भी डाला है। और ये मैं आपको बता दी, ये सोयाबीन का बनाते हैं, ठीक है? तो चीप डालने की वजह से ना काफ़ी डिलीशियस भी हो गया। इसको सीधा ये चटनी में डिप करते हैं, इसको पास से देखिए। चीज़ और पनीर की वजह से क्या हो रहा है मालूम, केक है ना बहुत ही अच्छा सा मुंह में इसमें फ्लेवर मिल रहा है। और ये अमूल का डाला था इसलिए इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इन्होंने डेकोरेट भी काफ़ी अच्छा किया है। और ये चटनी दी है, और ये चटनी थोड़ा सा खट्टा है पर बहुत अच्छा लग रहा है। काम करता हूँ, इसको देखने से ना आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये वेजिटेरियन आइटम है, ऐसा लग रहा है कि आप नॉनवेज वाली एकदम से फीलिंग आ रही है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो गाइस देख लो, ये रहा हमारा दूसरा आइटम, ये है अमृतसरी कुलचा। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है 170 रुपीज़। और इसके साथ इन्होंने छोले दिया था, और साथ में ये इमली वाली चटनी दी थी, और यहाँ पे इन्होंने है ना अमूल का बटर भी दिया था। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेकिंग तो पूरा आपने इसका देख लिया है। इसमें इन्होंने आलू का फिलिंग किया था, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाला था, चीज़ डाला था, पनीर डाला था, पूरा बनने के बाद है ना इसको इसमें तंदूर में भी डाला था, और उसके बाद फिर से चीज़ और पनीर डाला था, जिसके वजह से काफ़ी डिलीशियस हो गया। एक काम करते हैं, सीधा इसका मैं है ना आपको एक पहले दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है? तो इसका ना एक सीधा बाइट लेते हैं, ऐसे पिज़्ज़ा के तरह बाइट लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तंदूर के अंदर डालने से क्या हुआ मालूम, इसके अंदर एक है ना कि स्मोकिंग फ्लेयर मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे इन्होंने छोले भी दिया था, तो इनका छोले भी ट्राई कर लेते हैं। छोले काफ़ी अच्छा बना है, मसाला एकदम बैलेंस में है, और इसमें जो ये छोले रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। देखिए आप, और यहाँ पे दी है ये इमली वाली चटनी। ठीक है, थोड़ा सा खट्टापन है इमली की वजह से काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके साथ ये बटर भी है, पर मुझे ज़्यादा है ना बटर आजकल पसंद नहीं आता खाना, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। आप लोग आएंगे तो इसको बटर डाल के खाइएगा। ऑलमोस्ट ये दोनों आइटम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर वीडियो के लास्ट तक आ गए हो तो अपने भाई का चैनल फिर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करना, ठीक है? फिर मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।